बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसका नाम है मिक्स ड्राई फ्रूट चिक्की। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ कप बादाम और हाफ कप अखरोट लिए है जिसको फाइन कटिंग की हुई है, और साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पर एक कप शुगर और साथ में लिए हैं 1 टीस्पून बटर। और इन तीनों को मिलाकर हम अच्छे से चिक्की बनाएंगे और ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑन करते हैं गैस का फ्लेम, तो इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को जो है ना हल्के से सोटे करेंगे। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सोटे करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सीरम बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, हमारी जो ड्राई फ्रूट है वो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से जो है ना सोटे हो गई है। ये देखिएगा, काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है इसको अच्छे से सोते करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर शुगर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। हम इस शुगर को जो है ना मेल्ट करेंगे इसके अंदर, तो ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये कैरामलाइज ना हो। देखिएगा, यहाँ पर जो है ना शुगर अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ख्याल से रखना है, इसको हिलाते रहना है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल अभी मेल्ट हो गई है, अभी भी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है। तो जैसे ये काफ़ी मेल्ट हो जाती है तो फिर हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। आपका जो कैरामल है वो जल भी सकता है और ख़राब भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल ये चॉकलेटी कलर नहीं हो जाता तब तक हमें थोड़ा सा इसको और मज़ीद। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर जो है ना मक्खन ऐड करेंगे, बटर जो मैं ब्लू बैंड का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बटर नहीं है, मलाई है, तो आप टेट्रा पैक मिल्क क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं। ये तकरीबन कैरामलाइज हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर हम इससे ज़्यादा पर मज़ीद पकाएंगे तो वो जल भी सकता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, हमारी कैरामलाइज बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जितनी आपकी ड्राई फ्रूट होती है उतनी ही आप मकदार में आपने ना शुगर लेना है या फिर गुड़ लेनी है जो आपको अवेलेबल हो। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं सरफेस पे, ताकि इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। सरफेस पे हल्का सा तेल जो है लगा लेती हूँ ताकि वो चिपके नहीं। गर्म हिस्से में ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप जिस शेप में भी चाहे आप कटिंग कर सकते हैं। देख सकती हैं हमारी मिक्स ड्राई फ्रूट चिक्की बिल्कुल रेडी हो गई है। ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ये देखिएगा, ये बिल्कुल रेडी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।